जो कोई भी हमें कुछ सिखाता है उसे हम भगवान की तरह मानते हैं, हम उसे उतने ही रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैं जहां भी कॉलेज में जाता हूं मैं पहले ही बोलता हूं, क्योंकि आपको वो सीखने का जो मौका मिल रहा है उसके लिए आप बहुत थैंकफुल होना चाहिए। सिर्फ गुरुओं के लिए नहीं, जहां पढ़ रहे हैं, जहां फैसिलिटीज है, क्योंकि मैं कॉलेज में आते हुए, आपका इंस्टीट्यूट में आते हुए मुझे एक्चुअली थोड़ा जेलस हुआ, क्योंकि हमारे कॉलेज में भी इतना अच्छा फैसिलिटी नहीं था। जो आदमी कॉलेज में इतना फैसिलिटी नहीं था वो आगे हो गई एक अच्छा मकाम, अच्छा पोजीशन में मैं आज हूं। तो आप लोग को इतना फैसिलिटी हो कि आप कितने आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं ना? Yes, sir. तो आपको आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है? क्योंकि आप सब लोग यहाँ किस लिए है, क्योंकि आपका भी ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, वो सपने स्वाकार अभी सफल करने के लिए आप लोग इधर आए। मगर स्वप्ने, अपना ड्रीम्स देखना बहुत जरूरी है। जिसको ड्रीम नहीं होता है ना वो आदमी कभी आगे जा ही नहीं सकते। तो यहाँ इंस्टीट्यूट में आप आए, यहाँ आपको अलग अलग सर्विस इंडस्ट्री, हाउसकीपिंग जो है, फूड प्रोडक्शन किचन जो है, और फ्रंट ऑफिस, ये सब सीखने को मिलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप जिंदगी में यहाँ जो सीखे वही काम करेंगे, मगर यहाँ जो सीखेंगे वो आपका फाउंडेशन बनेगा, आपका उसके ऊपर आप बड़े होंगे। जो कोई भी आज तक आपने सीखा है, आप घर में भी सीखते हैं, बाहर लोगों से भी सीखते हैं, यहाँ आपस में अपना झारखंड भाई बहनों, अपना कश्मीरी जम्मू और कश्मीर का भाई बहनों, हम आपस में भी आप सीखो। हम लोग बहुत न्यूज में देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है, मगर आप वो भाई लोगों के साथ भी, बहनों के साथ भी बात करो, सोचो समझो।